नमस्ते दोस्तों, बीइंग वुमेन की विशेष प्रस्तुति स्वयं सिद्धा सफर आम से खास तक सीरीज के इस नए एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस शख्सियत की कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, वे हैं टीवी व फिल्म जगत की जानी मानी अभिनेत्री जयश्री अरोड़ा जी। जयश्री अरोड़ा जी का जन्म 16 जून 1951 कोलकाता पश्चिम बंगाल में एक आर्मी परिवार में हुआ। 9 साल तक उन्होंने घर में ही शिक्षा प्राप्त की, फिर कक्षा 5वीं में स्कूल में दाखिला लिया। फिर उन्होंने ग्राफो एनालिसिस में एमएससी बीएड किया। नृत्य व थिएटर में रुचि तो उनकी बचपन से ही थी। वे कथक, मणिपुरी व रविंद्र नृत्य में प्रशिक्षित भी हैं। जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग के दौरान उन्होंने जम्मू दूरदर्शन में वॉइस ओवर आर्टिस्ट के रूप में काम किया। पहली बार उन्होंने 1980 में एक टेलीफिल्म में काम किया, जिसका निर्देशन जम्मू दूरदर्शन के डिप्टी डायरेक्टर देवेंद्र गोस्वामी ने किया था। इसके बाद वे दिल्ली चली आईं, परंतु 1984 में दूरदर्शन में प्रसारित हुई पहली पारिवारिक धारावाहिक हम लोग का हिस्सा बनने का उन्हें मौका मिला। उन्होंने का किरदार उस धारावाहिक में निभाया था। उस धारावाहिक के लेखक मनोहर श्याम जोशी थे और निर्देशक थे पी कुमार वासुदेव। उन्होंने श्रीनगर और जालंधर दूरदर्शन में भी काम किया है। उन्होंने दूसरा केवल, फौजी, साझा चूल्हा आदि कई धारावाहिकों में एवं लगभग 200 से भी अधिक फिल्मों में काम किया है। उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती अभिनीत दाता फिल्म से अपनी फिल्मी यात्रा शुरू की थी। साथ ही धारावाहिकों के अलावा उन्होंने लगभग 7 से 8 फिल्मों में शाहरुख खान के साथ भी काम किया है। उन्होंने परिवार व पेशे में बेहतरीन संतुलन बनाए रखा। उनकी 2 बेटियां हैं, नोविता और चैनिका। वे हमेशा दिल्ली में रही, मुंबई में काम के सिलसिले में आती जाती रही। काम को भरपूर एंजॉय किया और कभी उससे खुद को प्रभावित नहीं होने दिया। वे एक शिक्षिका भी हैं और उन्हें शिक्षण माहौल बहुत पसंद है। वे बताती हैं कि मैंने अपना काम शादी के बाद शुरू किया। मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ कि मैंने परिवार को भी संभाला और अपना मनचाहा काम भी करती रही। हिंदी भाषा के प्रति वे विशेष श्रद्धा भाव रखती हैं। साहित्य की महत्ता नामक किताब पढ़कर हिंदी भाषा से संबंधित विषय को उन्होंने और गहराई से समझा, लेकिन अंग्रेजी भाषा के समक्ष हिंदी भाषा की अवहेलना उन्हें हमेशा अखरती रही। वे बताती हैं कि कभी उनकी शिक्षिका कहा करती थी कि ऐसा लगता है कि हम अपनी बीमार माँ को छोड़कर किसी स्वस्थ माँ की सेवा कर रहे हैं। इस बात ने उन्हें बहुत प्रभावित किया और हिंदी साहित्य के प्रति उनकी रुचि बढ़ी। वे बताती हैं कि जहाँ तक हो सके लोगों को यही समझाती हैं कि हिंदी को महत्व दें, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है। महिलाओं के लिए जितना बन पड़ता है वे अवश्य करती हैं। आर्मी बैकग्राउंड से होने के कारण महिला कल्याण के कार्यों के अंतर्गत वे लड़कियों को नाटक थिएटर के लिए प्रशिक्षण देती हैं। अगर उन्हें अगली पीढ़ी के विकास में योगदान देने का मौका मिलता है तो वे स्वयं को इसके लिए भाग्यशाली मानती हैं। वे बताती हैं कि महिलाएं बहुत सशक्त हैं, मजबूत हैं। हमारे अंदर एक कमी है कि हम सबको प्यार करते हैं, ख्याल रखते हैं, पर खुद को प्यार नहीं करते। जब वे खुद को प्यार करना सीख जाएंगी तो खुद ब खुद मजबूत हो जाएंगी। प्यार के कारण ही वो कमजोर पड़ जाती है। भावनाओं और समझौते के चक्रव्यूह में वो कमजोर पड़ती है। वैसे वो कमजोर होती नहीं है। वर्ष 2019 में उन्हें बीइंग वुमेन की स्वयं सिद्धा शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। बीइंग वुमेन के संबंध में अपने विचार साझा करते हुए वे कहती हैं कि बीइंग वुमेन स्वयं सिद्धा एक ऐसा व्यापक प्लेटफॉर्म है जहां हर क्षेत्र, हर विधा की महिलाओं को बुलाकर सम्मानित किया जाता है। ढेर सारी वैसी ही महिलाएं जो किसी भी तरह के अलग क्षेत्र में कुछ बेहतर करना चाहती हैं, कहीं ना कहीं उन्हें इससे प्रेरणा मिलती है। महिलाओं को हर तरह से सक्रिय रहने के लिए प्रेरणा देते हुई रंजिता जी के नेतृत्व में ये संस्था एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। की स्वयं सिद्धा सफर आम से खास बनने तक की सफर की कहानी बस यहीं तक। फिर किसी नए शख्सियत और उनकी नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए